वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी एनएम, एमपीडब्ल्यू, स्टाफ नर्स और बाकी जो अदर्स स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ओनली आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द। ऑप्शन इस प्रकार है, राइट कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज एंड कैरोटिड आर्टरीज। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के कैरी किया जाता है। तो इस तरीके से सभी जो कैरी किया जाता है उसमें वेंस में होता है, किंतु यहाँ आर्टरीज बताया गया है। तो आर्टरीज कौन से ऐसा आर्टरीज है जिसमें ऑक्सीजन से विहीन अर्थात ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसा ब्लड कैरीज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी, पल्मोनरी आर्टरीज। एंड फ्रेंड्स, सेम इसका जो अपोजिट क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा वेंस है जिसमें डी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी किया जाता है, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह पल्मोनरी वेंस में होते हैं। बाकी जितने वेंस आपको मिलेंगे सभी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेंस के। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बाकी इसके अलावा जितने भी आर्टरीज हैं वो सब में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट एक्सेप्ट्स। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन है या कारण है जिससे जो ब्लड का अमाउंट है हार्ट्स के द्वारा जो पंप किया जाता है वो अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है सिवाय एक के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द ब्लड, बी डिक्रीज्ड टेम्परेचर, सी हार्मोन्स एंड डी नर्व्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर बी, डिक्रीज टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर लो है तो उस समय जो ब्लड का अमाउंट होता है वह कम मात्रा में हो जाता है। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर जब हाई होता है तो उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जो ब्लड का जो फ्लो अमाउंट होता है वह ज्यादा आ जाता है। इसलिए आप देखे होंगे फ्रेंड्स, जब हमें ठंडी के दिनों में हमारे हाथ या पैरों पे कहीं भी अगर कट हो जाता है तो ब्लड थोड़ा लेट से आता है, क्योंकि उस समय जो हमारे वेंस होते हैं उसमें डीप हो जाता है और जो अमाउंट होता है थोड़ा सा कम रहता है। और जब हम गर्मी में अगर कहीं कट जाते हैं तो जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो क्योंकि बहुत ही तेज होता है और ज्यादा अमाउंट पे होता है और वह त्वचा के सतह पे आ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को टेम्परेचर से इक्वल करने के लिए हमारे ब्लड फ्लो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द करेक्टराइटिक साउंड ऑफ द वीटिंग हार्ट आर कॉस्ट बाय। ऑप्शन नंबर ए, द क्लोजर ऑफ द सेमुलनर वेल्स, बी द क्लोजर ऑफ द ट्राई एंड बाई कस्पिड वॉल्व, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मसल इन द वेंट्रिकल एंड ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारे में वीटिंग का साउंड होता है, हार्ट बीट जो आता है, हृदय का जो बीट होता है, धड़कन, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, ये तीनों इसके करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट एंड द रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए, द साइनो एट्रियल नोड जिसको एस ए नोड कहा जाता है, द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ए वी नोड जिसको कहते हैं, द पेसमेकर एंड सी आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है ए एंड सी इज करेक्ट, अर्थात आंसर नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द सर्कुलेशन इन नॉट कंसेंट कंस्टेंट, एंड बी द मिडिल लेयर ऑफ अ वेन हैज मच लेस स्मूथ मसल देन डज द मिडिल लेयर ऑफ द एट्रियल वॉल, एंड ऑप्शन नंबर सी, इन ह्यूमंस सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120
MMHG अर्थात मिलीमीटर मर्क्यूरी। आप कभी भी फ्रेंड्स अगर ब्लड प्रेशर का जो रिपोर्ट देते हैं उसमें MMHG लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका जो आंसर होते हैं वह इनकरेक्ट हो जाते हैं। एंड जो डायलिस्टिक प्रेशर होता है वह अबाउट 75 MMHg। एंड ऑप्शन नंबर डी है एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड अ प्रोटीन दैट कॉज डायलेशन ऑफ द आर्टरीज। एंड जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी एंजियोटेंसिन सेकेंड इज अ प्रोटीन दैट कॉसेस डायलेशन ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज के डायलेशंस के जो प्रोटीन होते हैं एंजियोटेंसिन, उससे जो हमारे आर्टरीज होते हैं उसका फैलाव होता है। यह करेक्ट है, इसके अलावा मतलब यह इनकरेक्ट है, इसके अलावा बाकी सब करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द कनेक्टिव टिश्यूज सैक इन क्लोजिंग दैट हार्ट इज कॉल्ड द एंडोथेलियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड वेना केवा। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स पेरिकार्डियम। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनक्लोजिंग द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड आर्म्स टू द हार्ट। हृदय से हमारे सिर, गले और आर्म्स के लिए किसके द्वारा ब्लड का कैरीज किया जाता है? सुपेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर 7 का आंसर आ जाता है आंसर नंबर ए सुपेरियर वेना केवा। जो सुपेरियर वेना केवा होता है हमारे हृदय से जो ऊपर की ओर ले जाता है वह सुपेरियर वेना केवा, और जो नीचे की ओर पार्ट बॉडी पार्ट में लेके जाता है वह इन्फेरियर वेना केवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर द कार्डियक इम्पल्स। तो कार्डियक इम्पल्स का जो सीक्वेंस होता है प्रॉपर कौन सा है? सबसे पहला एस ए नोड, फिर ए बी नोड, ए बी बंडल, पुरकिंजे फाइबर्स। ए बी नोड, फिर ए बी बंडल्स, एस ए नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, ए बी नोड, ए बी बंडल, एस ए नोड, और ए बी बंडल, ए बी नोड, एस ए नोड, पुरकिंजे तंतु। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर ए। सबसे पहले जो एस ए नोड होता है वहां से जो हमारा सीक्वेंस जब जाता है ए बी नोड को, फिर वहां से ए बी बंडल को, इसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स। ये हार्ट बीट के लिए सबसे जो रेगुलेशन का कार्य करता है एक के बाद एक, तो वह ये प्रॉपर सीक्वेंस यह है एस ए नोड, ए बी नोड, ए बी बंडल्स, इसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा असत्य है? द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट सिमुलटेनियसली, बी द पीरियड ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, द हार्ट मुरमुर में बी अ सिम्टम ऑफ अ डैमेज वॉल्व एंड सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेशन इंक्रीज द हार्ट रेट। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर ए। द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स सिमुलटेनियसली, इसके अलावा बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें से एक सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू ईच सेल, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका काम नहीं होता है, तो वह आंसर नंबर सी प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड आर्टिया, वेंट्रिकल्स, पेसमेकर, कार्डियक मसल। तो जो पंपिंग चैम्बर्स जो होते हैं वह कौन कहलाएंगे फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे हार्ट्स में फोर चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर को आर्टरी कहते हैं,
नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल करते हैं। जब वेंट्रिकल जिसमें वेंट्रिकल में जब दबाव आती है, इसके बाद जो ब्लड का फ्लो होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज और हमारे आर्टरीज जो मेन आर्टरीज है महाधमनी होते हैं उसमें, दोनों में ब्लड का फ्लो होता है। तो उस टाइम हमारे बॉडीज और हमारे फेफड़े तक सर्कुलेट होता है। अगर आप इसका सर्कुलेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा। अभी लास्ट में आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी एक डायग्राम से आपको समझा दूंगा लास्ट में फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो हार्ट पंपिंग चैम्बर जो होता है वो वेंट्रिकल कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेंसरी रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ द वेना कैवा एंड राइट आइट्रियम आर स्टिमुलेटेड वैन। ऑप्शन नंबर ए, वेसल्स आर डिस्टेंडेड विथ ब्लड एंड द वॉल इज स्ट्रेच्ड। बी, ब्लड टेम्परेचर्स चेंज। ए, राइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द ब्लड ऑकर्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। एंड करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, वेसल्स आर डिस्टेंडेड विथ ब्लड एंड द वॉल इज स्ट्रेच्ड। क्वेश्चन नंबर 13, हाइपरटेंशन कैन बी अ रिजल्ट ऑफ। हाइपरटेंशन किसका रिजल्ट है? ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन एंड इंक्रीज सोडियम इनटेक। बी, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन एंड द इंक्रीज सोडियम इनटेक। एंड ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज सोडियम इनटेक एंड नॉन ऑफ द एबव। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए, एक्सेस एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन एंड इंक्रीज सोडियम इनटेक। तो आंसर नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड इसके जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर ए, द लिम्फेटिक आर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट कंस्टिट्यूएंट्स अ टू वे रूट बिटवीन इंटेस्टाइनल फ्लूड एंड ब्लड। इसके अलावा बाकी जितने हैं वो सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, तो चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको बता देता हूं। पहला है, ए हार्ट रेट सेंटर इज द लोकेटेड इन द हिंड ब्रेन इन अ रीजन कॉल्ड द। तो जो एक हार्ट रेट सेंटर होता है, जो लोकेटेड होता है हिंड ब्रेन इज द रीजन, इसको क्या कहते हैं? तो होता है मेडुला ऑफ लॉन्गटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लार्ज वेन दैट ड्रेन्स द लेग्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज द कॉल्ड। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैं बताया था कि जो हमारे बॉडीज के हार्ट के ऊपर की ओर ले जाने वाले को सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले को इन्फेरियर वेना केवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है इन्फेरियर वेना केवा। द वॉल्व बिटवीन द राइट आट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। राइट जो होता है वेंट्रिकल और आट्रियम के बीच में जो वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, एक साइड होता है ट्राइकस्पिड और एक साइड होती है बाइकस्पिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर सॉरी आंसर है ट्राइकस्पिड, जो हमारे राइट आइट्रियम में होते हैं और राइट वेंट्रिकल के जो मध्य होता है उसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है फ्रेंड्स, द वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट आइट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इसको बाइकस्पिड कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 19 है, द प्रोपोगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स थ्रू द एंटीओ वेंट्रिकुलर नोड इज फॉर एक्स अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पता है जो हमारा हृदय होता है उसमें जब एक चक्र लगाने पे आपका जो टोटल समय लगता है वह 0.8 सेकेंड। हमारे हृदय का जो एक धड़कन, जो हमारा एक धड़कन है उसको पूरा करने में जो लगने वाला समय होता है वह एक सेकेंड से भी कम होता है, अर्थात 0.8। इसलिए हम लोग छः मतलब पूरा एक जो मिनट में होता है वह 72 बार धड़कता है ना। तो 60 और 72 से 80 जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है। अब इसमें 8 सेकेंड में आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। 8 सेकेंड में आपके
जो होते हैं प्रोपेगेशन एक्शन पैटर्न से, उसमें 1 सेकेंड का इनको रेस्ट मिलता है, डिले किया जाता है। इसके बाद इस तरीके से कुल टोटल इन लोग, कहने का मतलब जो समय लगता है वह 0.8 सेकेंड लगाते हैं, और ये जो डिले फॉर अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सिस्टोल इज द नेम ऑफ द पीरियड ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन एंड द डिस्टोल इज द रिलैक्सेशन। तो किसके, तो जो सिस्टोल कहलाता है वह हाँ उसी पढ़ना है। वेंट्रिकुलर के, और हाँ उसी पढ़ना है। वेंट्रिकुलर दोनों का आंसर जो होता है वो वेंट्रिकुलर ही आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे। सही बोल रही।